लोगों का मजमा जिस तरह से जुड़ा हुआ है इस मंदिर को, आप किस तरह से देख रहे थे, क्या लग रहा है? आप भी एक मोमिन ही है, देखो पूरा हज का मंजर ही नजर आ, चारों तरफ देखो पूरा हज का मंजर इधर नजर आ रहा है। इससे बहुत खुशी होती है मंजर को भी देख के। दिन आते हैं हम लोग देखते हैं एक अलग अलग तरीके का मंजर रहता है, अलग अलग जोश रहता है लोगों में, लेकिन हाजियों को देखते हैं हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है। सबसे पहले हम भी अल्लाह का घर देखते, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, हमारे से यही दुआ करता हूँ, सबसे पहले अल्लाह ये साली अपनी जिंदगी में फिर तो अल्लाह सबसे पहले उनका घर देखता है। इंशियन टाइम्स पर सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। बेंगलुरु हज कमेटी से 10,500 हाजियां जो है इन टोटल हज के लिए इस मरतबा रवाना हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो है हज कमेटी के मेंबर जनाब मुजाहिद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सर अब तक कितने फ्लाइटें गए हैं, अनेक जाने वाली है, और जो हाजियां वहां पर पहुंच चुके हैं क्या आपके उनसे रब्ता हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हाजियां गए हैं उन लोगों ने से जाकर पहुंचे हैं और उनसे बात भी हुई है, लेकिन एक छोटी शिकायत थी कि भाई कुछ सोशल मीडिया में लोगों ने भी हमारे से सवाल कर रहे थे कि एक रूम के अंदर कुछ लोगों को ज्यादा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत थी। तो हमारे सीओ साहब ने सरफराज खान साहब ने इमीडिएट उधर हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं जो इसके अंदर मदीने में तो रब्ता करके उनको इमीडिएट उनको ये किया कि भाई देखो ऐसे मत करो, हाजियों को तकलीफ हो रही है तो आप इमीडिएट उन लोगों को दो दो रूमों के अंदर अरेंजमेंट करो, बोलने से छह छह लोगों का एक अरेंजमेंट करके आए। टोटल कितने हजार गए हैं अभी तक? टोटल आप तक कम से कम छह या सात फ्लाइट जाके अंदाज, लेकिन एक एक फ्लाइट के अंदर उनकी तेरह 280 पर नो, उस हिसाब से आप जोड़ लो, मैंने टोटल नहीं किया है, लेकिन अब की फ्लाइट है 450 लोगों की अब की फ्लाइट है, उस हिसाब से डबल फ्लाइट का सिंगल फ्लाइट जा रही है। उसी के साथ साथ अब फिर रात में दो छह बजे एक है और उसके बाद एक है फ्लाइट, इसके हिसाब से टोटल है तीन फ्लाइट है, लेकिन चार फ्लाइट का मजमा जा रहा है। सर अभी तक जो हाजियां गए हैं रूम्स के अलावा कोई और प्रॉब्लम्स भी नजर आए हैं? अल्लाह का करम है, देखो मैं इधर एक नंबर होने के नाते मैं यही बोलूंगा कि सब चीज अच्छा हो रहा है, लेकिन आप लोग भी घूम कर फीडबैक ले रहे हैं तो कोई हाजी इधर से नाराज होकर नहीं जा रहा, हर हाजी खुश होकर जा रहा है, उधर भी जाकर खुशी से है, लेकिन सिर्फ एक छोटी शिकायत थी और रूमों का तेदा ज्याद कर रहे हैं, कम करो बोले इमीडिएट हमारे सीओ सरफराज खान साहब ने वो कर दी। सर बाहर से भी जो है हाजियां यहाँ पर आ रहे हैं तो हाजियां के अंदर कोई मसले आपको नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स? बिल्कुल नहीं है, तो हर कंपाउंड के अंदर से लेकर हज हाउस के अंदर से लेकर मेरियन तक की जिम्मेदारी जिस जिस तरीके से समीर अहमद खान साहब और हज कमेटी के मिनिस्टर हमारे रहीम खान साहब और हमारे सीओ सरफराज खान साहब ने जो जितने भी जितने सालों से वॉलंटियर्स काम कर रहे थे उन लोगों को बुलाकर एक मीटिंग कर एक एक की जो जो जिम्मेदारी थी वो तो जिम्मेदारी किस तरीके से निभाना है, अगर चाहे निभाने में कोई कोताही हो तो किसको रब्ता करना है, वो तो रब्ते का नंबर सब चीज देकर एक सिस्टमेटिक काम चला रहे हैं। अब तक तो कोई चीज नहीं और कैसे ऐसी दुश्वारियां नहीं आई है और कोई ऐसी परेशानियां हमारे आंखों के सामने नहीं आई है। आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप लोगों को भी कोई कमी दिख गई बड़ा मेहरबानी, आप लोग आकर हमारे हमारे कानों तक डाले, इंशाल्लाह हम उसको भी साथ। एक और अहम सवाल यहाँ पर है, बहुत से लोगों ने कमेंट किया और बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हज कमेटी का जो चेयरमैन डिसाइड होने वाला था उस मामले पर क्या हुआ है, कहाँ तक पहुंच रहा है? देखिए उसके बारे में आपने ही पूछे तो अच्छा है मेरे से, उसके लिए हमारे बड़े हैं जमीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और बहुत सारे लीडर्स हैं, तो उनके ऊपर छोड़ा हुआ मामला है, अभी थोड़ा कंडक्ट होने की वजह से अभी चेयरमैनशिप कोई अनाउंस नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग 16 मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स में 16 चेयरमैन बन के काम, तो इसी की वजह से काम भी अच्छे से हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मैं चेयरमैन बन गया, वो चेयरमैन बन गया, वो चेयरमैन बन गया, उसको होएगा उसको, किसी के दिल में कोई ये नहीं डरा नहीं है, लेकिन हर आदमी जितने भी मेंबर्स हैं पूरे चेयरमैन बन के यहाँ पर है, इनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? देखिए ये वॉलंटियर्स के बारे में ऐसा मुझे मुंह पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, ये ताज्जुब की बात है, ये मामूली इंसान करने का काम नहीं जो जमीर अहमद खान साहब कर रहे हैं, ये मामूली इंसान करने का काम ही नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये काम जिन्नात या फरिश्ते नहीं कर सकते, ये काम इतने लोगों का मजमा 20 से 25 हजार लोगों का रोज का तीन वक्त का खाना, वाहिद वही एक इंसान है जो जमीर उनका जो जमीर जो इधर का जो जमीर आता है, नाम नहीं बोल रहा हूँ, इधर का जो जमीर आता है वो जिंदा रखने वाला इंसान ही यह काम कर सकते, उसी वजह से उधर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग
इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज दीवार के तीन तरफ के कंपाउंड तोड़ दिए हैं, लेकिन अगर चाहे आते तो मैं दिखाता वो जितने भी लोग आए हैं वॉलंटियर जहाजों को छोड़ने के लिए आए, और उधर पीछे भी कंपाउंड में उतने लंगर में उतने लोग खड़े हुए हैं, कम से कम मैं समझता हूँ 30,000 का मजमा ऐसा उलट पड़ा है, क्योंकि फ्लाइट भी बैठा घंटे लेट होने की वजह से दोनों फ्लाइट का मजमा ऐसा जुड़ गया है। तो उन लोगों को हर लोगों को इधर आकर अनाउंस कर रहे हैं कि जमीर अहमद खान साहब उधर लंगर लगा कर रहे हैं, आप में कोई भी खाना नहीं खा कर रहे तो आकर खाना खाओ बोलता, वो खाने को प्रिपेयर करने के लिए उधर इंसान उनकी बस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जिन्नात या शैतान जिन्नात या फरिश्ते आकर उधर काम। तो दोस्तों ये थे जनाब सैयद जाहिद जो इस मरतबा कमेटी के मेंबर हैं, आप इधर पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है बस निकल रही है, और एक मरतबा लोगों के हुजूम को दिखाइए आज किस तरह से लोग आए हैं, तकरीबन 25,000 लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन मंजर जो है देखने को मिला है, और स्पेशली जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट भी जो है 2 घंटा डिले हो चुकी थी, तो 9 बजे निकलने की बस जो है 11 बजे निकल रही है। आप लोगों के लिए यहाँ मेरे साथ जुड़े रहेगा, मैं इब्राहिम आपके साथ एंशिएंट टाइम्स।